ओम गणेश महागणेश राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पर्वतनी एकादशी या पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है इस बार यह शुभ तिथि २९ अगस्त दिन शनिवार को है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चतुर्मास में शयन के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु इस दिन करवट लेते हैं इसलिए इस एकादशी को पर्वतनी एकादशी के नाम से जाना जाता है इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण से इस एकादशी का महत्व बहुत ज्यादा पड़ गया है शास्त्रों में बताया गया है कि पर्वतनी एकादशी का महत्व दीप एकादशी और देव उठनी एकादशी के समान ही माना जाता है इस दिन व्रत और पूजन करने पर सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है इस दिन व्रत रखने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है पर्वतनी एकादशी पर इस बार शुभ संयोग बन रहे हैं जिससे इस एकादशी का महत्व और भी ज्यादा पड़ गया है पर्वतनी एकादशी के साथ इस एकादशी को बामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है पर्वतनी एकादशी पर व्रत को खोलने का व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त अगस्त की सुबह पाँच बजकर अठावन मिनट से सुबह आठ बजकर इक्कीस मिनट तक है परवतनी एकादशी पर इस बार आयुष्मान योग भी बन रहा है शास्त्रों में बताया गया है कि इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख शांति तो मिलती ही है साथ ही सभी कष्टों से भी मुक्ति मिलती है और जीवन में नया उजाला भी आता है इस योग में किया गया कोई भी कार्य लंबे समय तक शुभ फल प्रदान करता है यह योग अत्यंत मंगलकारी माना गया है क्योंकि इस योग के स्वामी गुरु हैं जो भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करते हैं परवर्तनी एकादशी के महत्व को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि पापियों के पाप का नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करता है उससे तीनों लोग पूज्य हो जाते हैं अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी का व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों को पूज लिया इस एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में अन्न और धन के भंडार भर जाते हैं शास्त्रों में बताया गया है कि परवनी एकादशी पर करवट बदलते समय भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जो पूजा या उपाय किए जाते हैं वह बहुत ही जल्दी शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको एकादशी के इस शुभ संयोग पर भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने का एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं इस उपाय को करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी भगवान विष्णु जी की कृपा से कष्टों से भी छुटकारा मिलेगा दोस्तों इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट अवश्य ही करें जिससे हमारी सभी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए तो आइए दोस्तों जानते हैं इस उपाय के बारे में उपाय करने के लिए आप एकादशी के दिन स्नान करके स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करें आज के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय रंग है पीले रंग के वस्त्र ना हो तो आप हरे गुलाबी लाल किसी भी और रंग के वस्त्र पहन सकते हैं लेकिन ध्यान रखें आज के दिन शुभ रंग के वस्त्र ही पहने आज के दिन भूल भी काले या नीले रंग के वस्त्र ना पहने स्नान करने के पश्चात अब आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाए आपके मंदिर में अगर भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा है तो उन्हें पंचामृत से स्नान कराए पंचामृत यानी कि दूध दही घी शहद और शक्कर के घोल से अब भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी को स्नान कराए लड्डू गोपाल को स्नान कराए फिर स्वच्छ जल से स्नान कराने के पश्चात आप भगवान जी का श्रृंगार करें अगर तस्वीर है तो तस्वीर को आप साफ कपड़े से पहुंचे अब आप एक शुद्ध घी का दिया जलाएं। दीये को किसी प्लेट या कटोरी में रखें और एक सुगंधित धूपबत्ती अवश्य ही जलाएं। इसके बाद भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम करें भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को प्रणाम करें भगवान जी को किसी फल मिष्ठान का भोग अवश्य ही लगाएं। आज के दिन भगवान विष्णु जी को पीले रंग के मिष्ठान का भोग लगाना अति शुभ माना जाता है फल मिष्ठान ना हो तो आप शक्कर मिश्री या बताशी का भोग लगा सकते हैं इसके बाद आप भगवान श्री गणेश जी को हल्दी से तिलक करें फिर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को भी हल्दी से तिलक करें तिलक करने के पश्चात अब आप एक कटोरी में साफ हल्दी लें दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको साफ पिसी हुई वही हल्दी लेनी है जिसमें नमक मिर्च या कुछ और ना मिला हो हल्दी एकदम साफ होनी चाहिए अब इस हल्दी में आप थोड़ा सा शुद्ध जल या गंगा जल मिला लें। इसके बाद तो तुलसी के पत्ते लें तुलसी के पत्तों को भी पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें इसके बाद आप हल्दी से तुलसी के पत्ते पर एक तिलक करें फिर आप इस तुलसी के पत्ते को भगवान विष्णु जी के सामने रख दें फिर दूसरे तुलसी के पत्ते पे आप हल्दी से तिलक करें और इस पत्ते को माँ लक्ष्मी जी के सामने रख दें फिर आपने भगवान विष्णु जी के सामने जो तुलसी का पत्ता रखा है उस पत्ते को उठाएं और अपने हाथ में रखें। इसके बाद पत्ते को हाथ में रखे रखे आप भगवान विष्णु जी के इस महामंत्र का 108 बार जाप करें मंत्र इस प्रकार है ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है मंत्र का जाप करने के पश्चात आप इस तुलसी के पत्ते को वापस भगवान विष्णु जी के समक्ष रख हैं। फिर माँ लक्ष्मी जी के सामने से आप तुलसी का पत्ता उठाएं। इस पत्ते को अपने हाथ में रखें और माँ लक्ष्मी जी के इस महामंत्र ओम महालक्ष्मी नमा का एक सौ आठवा जाप करें। मंत्र इस प्रकार है ओम महालक्ष्मी नमा मंत्र का जाप करने के पश्चात आप इस पत्ते को वापस माँ लक्ष्मी जी के सामने रख दें अब आप भगवान श्री गणेश भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की आरती करें फिर भगवान जी को प्रणाम करें प्रणाम करने के पश्चात अब आप अपनी सारी परेशानी भगवान जी के समक्ष रखें आपकी जो भी समस्या है वह सारी समस्या आप भगवान जी से कहें और उन समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें धन संबंधी समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें प्रार्थना करने के पश्चात आप एक लाल रंग का कपड़ा लें और इस कपड़े में आप तुलसी जी के दोनों पत्तों को रख लें और कपड़े में गांठ लगा लें या फिर कपड़े में पत्तों को लपेट लें इसके बाद इस कपड़े को तुलसी जी के पत्ते सहित अपने मस्तक से लगाएं, यानी कि तुलसी जी को प्रणाम करें। इसके बाद इन पत्तों को आप दिए के ऊपर घुमाएं। इन पत्तों को आपको दिए के ऊपर सात बार क्लॉकवाइज घुमाना है यानी कि जैसे घड़ी की सुइया घूमती हैं इसी तरह से आपको इन पत्तों को दीये के ऊपर सात बार घुमाना है दिए के ऊपर घुमाने के पश्चात अब आप इन पत्तों को अपने धन रखने के स्थान में अपनी तिजोरी में रखते अगर धन रखने का ऐसा कोई स्थान ना हो तो आप इन पत्तों को किसी साफ स्थान पर रखें और वहाँ पर पत्तों के साथ कुछ रुपए भी रखते ऐसा करने से भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की कृपा से धन का लाभ होता है और धन संबंधी सभी समस्याएं जल्द ही दूर हो जाती है धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं दोस्तों शास्त्रों में बताया गया ये बहुत ही अचूक उपाय है शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों से अभिमंत्रित किए हुए तुलसी जी के पत्ते जिस घर में रखे होते हैं उस घर में भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा से सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है पूजन के पश्चात आप अपने मस्तक पर हल्दी से तिलक अवश्य ही करें आपने भगवान जी को जिस फल फलमिष्ठान का भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में अपने परिवार सहित ग्रहण करें दोस्तों इस उपाय को करने के साथ साथ भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए एकादशी के दिन किसी भी पेड़ पौधे के फूल पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए भगवान विष्णु जी को भोग लगाने के लिए या उपाय करने के लिए आप एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते रख लें या फिर तुलसी जी के पास जो अपने आप से टूट कर आप उनसे भी उपाय कर सकते हैं और उनका भी भगवान विष्णु जी को भोग लगा सकते हैं लेकिन भूल कर भी तुलसी के पत्ते एकादशी के दिन ना तोड़ें एकादशी के दिन बाल नहीं काटने चाहे दाढ़ी मूछ भी नहीं बनानी चाहिए ना ही नाखून काटने चाहिए एकादशी के दिन महिलाओं को बाल भी नहीं धोने चाहिए इस दिन भोग विलास से दूर रहें पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें एकादशी के दिन किसी की भी बुराई ना करें और गलती से भी गरीब एवं उम्र में बड़े लोगों का अपमान ना करें ना ही झूठ बोलें एकादशी पर गुस्सा और विवाद करने से भी बचना चाहिए एकादशी का व्रत रखने वाले व्रती को एकादशी की रात्रि को सोना भी नहीं चाहे पूरी रात जाकर भगवान विष्णु जी का भजन कीर्तन करना चाहिए इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है एकादशी के दिन चाहे आप व्रत रखें या ना भी रखें। एकादशी के दिन फूल कर भी चावल और जौ का सेवन नहीं करना चाहिए विष्णु पुराण के अनुसार एकादशी पर चावल और जौ खाने से पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं क्योंकि चावल को हविष्य अन्न कहा गया है यानी कि देवताओं का भोजन नहीं है एकादशी के दिन चावल और जौ की गिनती मास में की जाती है भोजन के साथ ही एकादशी के दिन चावल और जौ का पूजन में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता एकादशी तिथि पर जौ मसूर की दाल बैंगन और सेम की फली भी नहीं खाई जाती एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है इसलिए इस दिन पान खाना भी वर्जित है एकादशी के पवित्र पर्व पर मांस मदरा, प्याज लहसुन जैसी तामसी चीजों से भी दूर रहना चाहिए इस दिन सिगरेट और तम्बाकू का भी सेवन नहीं करना चाहिए इस दिन किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए इससे पुण्य नष्ट हो जाते हैं व्रत करने वाले व्रती को एकादशी पर अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और हो सके तो मीठा भोजन करें या फिर एक समय व्रत का नमक खा सकते हैं लेकिन सादा नमक का सेवन ना करें दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु के सबसे प्रिय पर्व एकादशी के दिन इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें जिससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त हो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग राधे राधे